Hey, what's up guys? This is Manjit and welcome back to my another video. So guys, Most of the Dog Breed की इस सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए काफी तगड़ी क्वालिटी की डॉग ब्रीड लेकर आया हूँ जो है फ्रेंच बुलडॉग। दोस्तों फ्रेंच बुलडॉग आप लोगों ने काफी सारे अलग अलग कलर्स कॉम्बिनेशन में देखे होंगे, लेकिन ये कलर भाई ऑल टाइम फेवरेट है, चाहे वो ग्रे डन हो, अमेरिकन बुली हो या फिर फ्रेंच बुलडॉग, ये कलर सबसे ज्यादा फेवरेट है। और भाई अगर आप लोग ये कलर परचेज करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आप लोगों को काफी ज्यादा पैसे भी एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, क्योंकि भाई ये कलर काफी यूनिक सा है, काफी रेयर है। वैसे इस कलर के साथ साथ आप लोगों को एक और यूनिक चीज यहाँ पर मिलने वाली है, और वो है इसकी आई का कलर। जी गाइस, ये जो फ्रेंच बुलडॉग है ना, ये ओड आईज में है। एंड डोंट वरी, इसके लिए आप लोगों को ज्यादा कोई हाई अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक डिसेंट से प्राइस की डिमांड की है जो कि आप लोगों को भी काफी पसंद आएगा। और जब आप लोग इसके पेरेंट्स को देखोगे ना, तो आप लोगों को पता लगेगा कि यार इसकी एक्चुअल क्वालिटी क्या होने वाली है, क्योंकि भाई अभी तो छोटा है तो क्वालिटी आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फ्रेंच बुलडॉग है ना, ये एक फीमेल पपी है। तो फ्रेंच बुलडॉग काफी छोटे से गोलू मोलू से होते हैं, और ये स्मूथ साइज की डॉग ब्रीड है जिन्हें आप लोग कहीं पर भी काफी कंफर्टेबली रख सकते हो, और ये काफी प्लेफुल भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो ये कहूंगा कि जिन लोगों को थोड़ा सा यूनिक चीज रखने का शौक है, तो वो लोग इस फ्रेंच बुलडॉग को परचेज कर सकते हो, क्योंकि भाई ऐसे कलर जल्दी से मिलते भी नहीं है। बाकी ये चीज आप लोग जरूर देख लेना कि फ्रेंच बुलडॉग जो है ना, ये गार्डिंग के पर्पज से नहीं होते, क्योंकि भाई स्मूथ साइज की डॉग ब्रीड कोई भी हो, वो इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं होती, काफी फ्रेंडली होती है, तो आप लोग बच्चों के साथ इन्हें कंफर्टेबली रख सकते हो। वेल गाइस, अब मैं आप लोगों इस पपी के पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। तो भाई पहले तो आप लोग इसके फादर को देखे, भाई गारंटी देता हूं कि ऐसी क्वालिटी आप लोगों ने और ऐसा कलर शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, जो कि आज आप लोग देख रहे हैं, भाई अल्टीमेट क्वालिटी है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये इन पपीज की मदर है, भाई मदर की क्वालिटी भी बहुत शानदार है, तो आई एम श्योर क्वालिटी में आप लोगों को जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्वालिटी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। बाकी ये चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और गाइस प्लीज, अगर आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसी डॉग्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर कर लो, ताकि सभी वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को डेली मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर इसकी बाकी की इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, तो भाई पहले तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो पपी है, ये 40 डेज की हो चुकी है, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है सिरसा हरियाणा से। दोस्तों डिलीवरी में आप लोगों को यार ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे, आई एम श्योर ये सुनकर काफी लोग निराश भी होने वाले हैं जो इस कलर को काफी अफोर्डेबल प्राइस में परचेज करना चाहते थे। भाई आप लोगों को डायरेक्टली ओनर को विजिट करना पड़ेगा, और विजिट करके इसे परचेज कर पाओगे। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो भाई ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड किया ना यार, वो गए 15,000 पीस, यानी 15,000 रुपए। बाकी भाई कलर के हिसाब से प्राइस सच में काफी डिसेंट सा है, बाकी प्राइस नेगोशिएबल है, आप लोग बार्गेनिंग करके प्राइस कम करा सकते हो। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मिलता हूं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।